हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आपको सफलता मिल रही होगी ट्रेडिंग में। और हमारे ज्योतिष द्वारा जो हम प्रिडिक्शन का काम डाल रहे हैं मार्केट और बैंक निफ्टी के बारे में, और भी हम उसको प्रिसाइजली देते जा रहे हैं। और अभी हमने आज जो सेक्शन ऐड किया है वो है कि हमने भी जो ट्रेड किया वो हम आपको इसमें शेयर करते जाएंगे। तो आप जो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, वो आप करते रहिए और हमारे भी जो है उत्साह बढ़ाते रहिए, और हम भी इस तरह से बेस्ट जो है आपको प्रिडिक्शन देते रहेंगे। ये तो आप जानते हैं कि हम लोग ये तो आप जानते हैं कि ज्योतिष के द्वारा ही जो है हम आपको किस तरह से दे रहे हैं प्रिडिक्शन। तो हमने उसके बाद में ये वीडियो बनाना आरंभ किया है, तो आप उसको समझने के लिए कुछ दिनों तक देखते रहिए और आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं। देखिए, हमने जो है आज जो 28 तारीख को जो ट्रेड किया था उसमें जो है हमने आरंभ में ही जो है बाय कॉल किया था, तो उसको होल्ड भी किया और ठीक करीब 12 बजे के करीब हम उससे एग्जिट हुए और उसमें 76% का प्रॉफिट हुआ था। फिर हमने एक पुट पोजीशन क्रिएट की और पुट पोजीशन में कोई बहुत अंतर नहीं आया था, तो करीब 4% हमने उसमें प्रॉफिट लिया था और एग्जिट कर लिया था। तो इस तरह से हमको आज जो है, और वो प्रेडिक्शन के बेस पे भी और एनालिटिकल जो हमने स्टडी किया था, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर भी हमने किया था, उससे हमको बेनिफिट हुआ, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल की तुलना में फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 28 तारीख की तुलना में। तो आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी जो है और बढ़ी हुई रहेगी, और जैसे कुछ बार आप देखेंगे कि तेजी से जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो गिरावट आती है या तेजी से रिकवरी आती है, उस तरह का मोमेंट आपको और देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे डॉलर रुपये में भी हम देख रहे हैं, पिछले सेशन में भी कहा था कि गिरावट आती है, देखिए कि वो गिरावट आपने देखी भी होगी। आज 28 तारीख की तुलना में वो गिरावट हमको देखने को मिली, तो ये गिरावट भी और बढ़ती भी दिख सकती है और डॉलर स्ट्रांग रहेगा रुपये की तुलना में, ऐसा लगता है। देखिए, या तो बाइंग कम होगी FII/DII की, या जो है 28 तारीख के सेशन की तुलना में कुछ सेलिंग भी अधिक अधिक मात्रा में हमको देखने को मिलेगी। तो दोनों, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि सेलिंग होगी, सेलिंग नहीं हो रही है तो जो मूवमेंट अगर नहीं आ रहा था, हम ये कह सकते हैं कि बाइंग कम होगी। ये ना इंटरेस्ट, ओवरऑल हम इंटरेस्ट की बात करें कि इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, पार्टिसिपेशन कितना रहेगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है FII बाय करेंगे या नहीं करेंगे, या DII बाय करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब वो सोच सकता है, सोच सकते हैं कि अभी हाई बन गया है तो यहाँ पर बाय करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बाइंग जो है रेशियो वाइज हम देखेंगे तो बाइंग हमको कम होती हुई दिखेगी। लेकिन फिर हाई वॉलेटिलिटी सेक्टर जो है वो हम देखते हैं कि IT है, ऑयल एंड गैस है, पावर, बैंकिंग, सीमेंट और मेटल, ये भी फिर से लग रहे हैं। और जैसे हमने कल आशा की थी कि जैसे आज भी आज मेटल स्टॉक्स में भी हमने तेजी से गिरावट होते हुए देखी थी। मीडियम वॉलेटिलिटी सेक्टर जो है वो फार्मा, टेलीकम्युनिकेशन, FMCG, ऑटोमोबाइल, एविएशन, ये रही। और यहाँ पर जो है मूवमेंट हमको मीडियम लेवल पर, ये नहीं, जैसे अगर हाई वॉलेटिलिटी 3-5% हो रहा है तो यहाँ पर 2-3% देख सकते हैं, या 1-3% हम ऐसा मूवमेंट देख सकते हैं। लो वॉलेटिलिटी सेक्टर यहाँ पर फिर से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी एंड शिपिंग, जहाँ की हमें मूवमेंट जो है वो अधिक नहीं दिखेगा, और जैसे 0.25% टू 5.5% टू
2% तक हम देख सकते हैं या 1% हम मूवमेंट देख सकते हैं। किसी खास एक स्टॉक में हो चलेगा, पर बाकी ओवरऑल देखेंगे तो आपको 1% के करीब ही वो दिखेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल वही बात आ रही है कि डाउन साइड फिर से लिमिटेड है, गुड सपोर्ट इन डाउन साइड। डाउन साइड जो है बहुत बड़ी गिरावट आती हुई कोई ब्रेक डाउन हमको ऐसा जो होता हुआ अभी नहीं दिखेगा, सपोर्ट लेवल हमको अच्छे दिखाई देंगे। निफ्टी रेंज जैसे कल भी जो दी थी उसी के बीच में हमको यहाँ भी निफ्टी रेंज दिखाई देती है कि, और वो सही भी गया कल का प्रेडिक्शन भी, तो निफ्टी रेंज भी हम यहाँ देखेंगे कि 18,375 से लेके 18,625 की रेंज में निफ्टी का मूवमेंट दिखता है। और हो सकता है कि बहुत हाई कल हमको बनते हुए देखने को ना मिले, बल्कि जो है मिडिल रेंज को हम बोल सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग के बाद कुछ पॉइंट ऊपर फिर नीचे और उसी के आसपास ऐसा मूवमेंट हमको है होता हुआ, बट हाई वॉलेटिलिटी जो है हाई रहेगी। बैंक निफ्टी रेंज जो है वो 42,655 से लेकर हम 43,385 मान सकते हैं कि यहाँ पर एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और बैंकिंग जो है सेक्टर्स वहाँ पर भी जो है वो है जो है मूवमेंट जैसे हाई दिख रहा है, और ये वॉलेटिलिटी भी यहाँ बढ़ी हुई हमको ये जैसे ग्राफ में एकदम तेजी से बड़ा बाय कैंडल या बड़ा सेलिंग कैंडल ऐसे टाइप हम देख पाएंगे। अभी देखते हैं ओपनिंग जो है वो नेगेटिव होगी और 9:15 से 10 बजे तक का जो हम मोमेंट है ओपनिंग नेगेटिव होने के बाद मार्केट जो है अपसाइड रेजिस्टेंस देखेगा और वहां से गिरावट आएगी और फिर सपोर्ट लेवल टेस्टिंग होने के बाद में फिर से मार्केट अपसाइड जाना शुरू करेगा। दस बजे से 11 बजे तक के लिए हम देखेंगे कि मार्केट जो है अपसाइड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, फिर वहां से गिरावट भी आती है और कुछ समय के बाद फिर से हम देखेंगे कि फिर सपोर्ट लेवल टेस्टिंग हुआ और फिर से अपसाइड मार्केट का मूवमेंट आरंभ हो जाएगा जो कि 11 बजे तक हमको देखने को मिलेगा। अभी 11 से 12 बजे तक जो है मार्केट यहाँ पर जो है लेवल को होल्ड भी करेगा जो कि 11 बजे तक लेवल्स थे उनको होल्ड करके फिर वहां से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा और वहां पर फिर से हमको अंत में करीब 11:45 11:50 के करीब वहां पर फिर हमको रेजिस्टेंस भी देखना शुरू होगा जो 12 बजे तक हम देख सकेंगे। बारह से एक बजे तक जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से जो है होल्ड करेगा मार्केट लेवल्स को और अपसाइड रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और वहाँ से गिरावट आती दिखेगी और कुछ गिरावट होने के बाद बहुत बड़ी गिरावट नहीं रहेगी और फिर सपोर्ट लेवल मिलेंगे और एक बजते बजते हम देखेंगे कि फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट हो चुका है। अब जो ओपनिंग नेगेटिव हमारी बात हो गई है और 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड जाएगा, वहां से अपसाइड रेजिस्टेंस देखेगा और फिर से हम देखेंगे गिरावट आ रही है। अब यहाँ 2 बजे से 3 बजे तक हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से जो है अपसाइड रेजिस्टेंस देख रहे हैं और जो है मार्केट जो है सपोर्ट लेवल्स को होल्ड भी करेगा और फिर से हम देखते हैं कि 3 बजते बजते मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट कर चुका है। अब 3 बजे से लेकर 3:30 तक हम जो देखते हैं
कि मार्केट होल्ड करेगा लेवल्स को और अपसाइड भी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। क्लोजिंग जो है तो 3 बजे की जो गिरावट थी उससे ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग होते हुए हमको देखने को मिलेगी।